रेंट वाला इन एक ऐसा कंपनी है जिसके वेबसाइट में आप लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आप लोग रेंट कहाँ पे खोज रहे हो, कितने में खोज रहे हो, प्लस किसके लिए खोज रहे हो। फॉर एग्जांपल, इस लड़के ने जिसका नाम सुमित है, इसने एक रिक्वेस्ट डाला कि ये 1 BHK खोज रहा है इन हरमू अराउंड 5000 फॉर अ कपल। अब जब कोई रेंट ओनर इस रिक्वेस्ट को देखेगा जिनका रेंट 5000 के अराउंड है एंड वो कपल को भी अलाउड करते हैं रहने के लिए, तो वो अपना रेंट इस वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हैं एंड वो इस ग्रीन कलर का अपलोड बटन को यूज़ करेंगे एंड अपलोड करेंगे अपना रेंट को, तो एक ईमेल भी चला जाएगा इस बंदे को, तो आपका रेंट भी तुरंत लग जाएगा। ये लड़का जो रेंट खोज रहा था इसको रेंट मिल जाएगा। अब दोनों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही साथ हो जाएगा। प्लस अगर आपके पास रेंट है तो आप इस वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि इस लड़की ने किया जिनका नाम कोमल है। इनका फ्लैट एक 2 BHK फ्लैट है इन ITI नियर देवकमल हॉस्पिटल। ये फ्लैट फैमिली वाला फ्लैट है। इस फ्लैट में आप लोगों को 2 बेडरूम मिलेगा मीडियम साइज का, एक हॉल मिलेगा। अब हॉल का फोटो इन्होंने डाला है कि नहीं डाला है, ये फोटो में देख के पता नहीं चल रहा, ठीक है। इन्होंने जितना भी फोटो डाला है वो देख के पता नहीं चल रहा। बट अब देखो इस वेबसाइट का दूसरा फीचर कि आप लोग अगर फोटो डाल रहे हो, ठीक है, तो जो रेंटर लोग होते हैं उन लोगों को आइडिया नहीं होता है कि आप लोगों ने किस चीज़ का फोटो डाला है, ठीक है। तो अब आप जब फोटो का नाम चेंज करके डालोगे, अगर किचन है तो किचन लिख दोगे, बाथरूम है तो बाथरूम लिख दोगे, बेसिन है तो बेसिन लिख दोगे एंड उसी तरह अपलोड करोगे, तो इस वेबसाइट में वो चीज़ भी ऑटोमेटिक दिखा जाएगा। अब आप सारा काम वेबसाइट के ऊपर छोड़ दोगे, तो मशीन के ऊपर छोड़ दोगे, तो मशीन को पता नहीं ना चलेगा कि ये किचन का फोटो है कि किस तरह का फोटो है, समझ रहे हो। तो इनका फ्लैट तो हुआ ITI बस स्टैंड के सामने एंड इनके फ्लैट का रेंट है 6000 रुपया। इनके फ्लैट में इनके फ्लैट में बालकनी भी अटैच है, पार्किंग भी अवेलेबल है, एडवांस भी लिया जाता है एंड बिजली का बिल भी अलग से दिया जाता है। रेंट ओनर का नंबर आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा जो कि कंपनी का वेबसाइट है, कंपनी का नाम है रेंट वाला इन, ठीक है। अब एक स्पेशल फीचर के बारे में बताता हूँ कि चलिए एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये रेंट ITI में जो कि रांची में, ठीक है, तो आप रांची लिखो तो आपको ये रेंट दिख जाएगा, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक सर्च करो रांची लिखने के बाद ITI बस स्टैंड लिखोगे तो भी ये रेंट दिखा देगा एंड ये सिंगल पीस दिखाएगा, तो आपका टाइम भी बच जाता है एंड आपको रेंट ओनर का नंबर भी मिल जाता है। प्लस यहाँ पे फ्रॉड आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेंट लिस्ट करने के भी पैसे लगते हैं एंड रिक्वेस्ट लिस्ट करने के भी पैसे लगते हैं। तो हुई ना अच्छी कंपनी, सही कंपनी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो, कंपनी काम करेगा, दिक्कत नहीं है।